जहां कौम पुलवामा हमले के बाद सदमे में है, वही कुछ गैर समाजी अंसर सानहे में भी सियासी रोटियां सेकने की फिराक में हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल जम्मू में देखने को मिल रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन फसादियों से बाखबर रहें और दुख की इस घड़ी में मुतहिद रहें। जहां पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत से पूरा मुल्क सोगवार है, वहीं हमारे आसपास ऐसे भी अफराद मौजूद हैं जो इस सानहे को फिरका परस्ती मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और अकलियती तबके को जख्म पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हो चुकी हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे शरपसंद अनासिर आम लोगों का नुकसान कर रहे हैं और उन्हें खुलेआम धमकियां दी जा रही है, जबकि डरे सहमे लोगों को सफाई देने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे में ही अखिलती फिरके पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद इंतजामिया ने कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया है। वो लोग जो पुलिस और फौजियों के हक में एहतजाज कर रहे थे, वही लोग पुलिस और फौजियों पर पत्थरबाजी करने लगे, जिसके नतीजे में कई अहलकार और शहरी जख्मी हो गए। इन लोगों के दिल में शहीदों के लिए कोई दर्द नहीं है, बल्कि ये लोग इस सानहे पर सियासी दुकान चलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इन्हें शहीदों की फिक्र होती तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव नहीं करते। ये कुछ जमातों की ईमा पर काम करने वाले वो दंगाई हैं, जिन्हें कौम और शहीदों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि फौज के नाम पर फसादात फैलाकर सियासी फायदा उठाना इनका वाहिद मकसद है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी ही इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जहां वादी के तुलबा को जबरदस्त तंगो तलब किया जा रहा है और कई जगहों पर तो उन्हें कॉलेज छोड़ने पर भी मजबूर किया जा रहा है। जहां हुकूमत ने तहफ्फुज के दावे किए, वहीं जमीनी हकीकत बिल्कुल बरअक्स है। वादी के मुख्तलिफ अजला में पुलिस कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, लेकिन वो बच्चे जो बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं, वो कैसे वापस आ जाए, क्योंकि कौमी शहरा बंद है, हवाई सफर के दाम आसमान छू रहे हैं और एयरलाइन वाले वादी की आवाम को लूटने में लगे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि हमें समाज दुश्मन अंसर से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि जो काम सरहद पर दुश्मन दहाइयों से न कर सका, पुलवामा हमले के बाद वो काम अब समाज दुश्मन अंसर कर रहे हैं। ये लोग वही काम कर रहे हैं जो सरहद पर दुश्मन चाहता है। ये सानहा किसी मखसूस फिरके का सानहा नहीं है, बल्कि ये कौमी नुकसान है, जिसकी तलाफी होना नामुमकिन है। इस दुख की घड़ी में हम सबको मुत्तहिद होकर दुश्मन का डटकर सामना करना चाहिए, ताकि दुश्मन के अजायम खाक में मिल जाए।